आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। पेड़ तो छोड़ो, यहाँ पर एनिमल्स भी नहीं है। तुम लोग को ही पता है वुड के बिना माइनक्राफ्ट सरवाइव करना इम्पॉसिबल सा लगता है, तो क्या मैं वुड के बिना 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा, वो भी एक ऐसे आइलैंड पे? वो तो वीडियो में आगे आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो यार इस वीडियो को बनाने में मेरे को 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग गया, क्योंकि यार ये तो मेरा फर्स्ट 100 डेज वीडियो था और ऊपर से PC में एडिटिंग रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था, तो इसमें थोड़ा सा डिले आ गया और बीच में मेरा एग्जाम्स भी आ गया था, तो 1 मंथ का टाइम यहाँ पर हम लोग को आराम से लग गया है। और ये मेरा शायद चैनल पे सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है, क्योंकि यार इसमें मैंने चलिए समझो यार 6 से 8 घंटे का रिकॉर्डिंग किया, उसको कट वगैरह करके इतना का टाइम मिला मेरे को, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ पे हम लोग का Day 1 भी शुरू हो चुका था, बट यार रिसोर्सेज का कमी तो था ही, तो देखते हैं हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। बाकी यार वीडियो के ऊपर ऐसा लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको लाइक करने में यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यार जाओ और जल्दी से जाकर लाइक करो। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा सामान यहाँ पे हम लोग आइलैंड पे मिलता है। तो यार इस 100 डेज में हम लोग का कुछ गोल्स भी होने वाला है, लाइक हम लोग का एक फुल डायमंड का आर्मर बनाना है, लाइक फुल एन्चेंटेड इंडियन ड्रैगन को तो मारना ही है, क्योंकि उसके बिना तो यार वीडियो अधूरा ही रहेगा। और हम लोग को एक औसम सा बिल्ड भी करना है, तो वो सारा चीज़ में होने वाला है। बट यार Day 1 के स्टार्टिंग में ही हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कुछ आसपास में, देख लेता हूँ क्या क्या रिसोर्सेज मिलता है हम लोग को। पहले यार रिसोर्सेज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, लाइक यहाँ पर तो शुगर केन दिख रहा है हम लोग को, तो शुगर केन को फटाफट से कट करके वापस से रीप्लांट हम लोग कर देते हैं, क्योंकि यार शुगर केन का बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाला है, ये हम लोग को पता ही और आपको भी पता ही होना चाहिए। तो उसके बाद मैं वहाँ से वापस से वो ओसन में एक जो बिल्डिंग बना हुआ था उस पर गया, और वहाँ पर एक चेस्ट रखा हुआ था, तो चेस्ट में मैंने देखा तो वहाँ पर यार कुछ वीड्स और एक मैप रखा हुआ था। बट यार मैप में जैसे ही मैंने उसको मैप को ओपन किया, बट यार उसमें इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ हो गया, लाइक वहाँ पर कुछ बड़ी ट्रेजर मैप दिख रहा था, बट यार खोलने पर ही इस नॉर्मल मैप में कन्वर्ट हो गया, तो वही समझ सकते हो कितना बड़ा स्कैम यहाँ पर हम लोग का साथ हो चुका है। उसके बाद भाई मैंने थोड़ा सा डर्ट को रिमूव किया, क्योंकि यार टूल्स वगैरह तो था नहीं, तो हाथ से ही करना पड़ा। और मैं सोच रहा था कि रात के लिए एक छोटा सा टेम्प्रेरी घर बना लिया जाए, तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा घर बना लिया, उसी में रात को जा रहा, क्योंकि यार रात को भाई चौपी वगैरह तो बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं और आइलैंड पर स्पॉन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यार कोई भी एरिया नहीं है स्पॉन होने के लिए, सिर्फ ये आइलैंड ही है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्पॉन होने का चांस रहता है। उसके बाद भाई लिटरली मेरे को भूख लग गया, तो बैठे वहाँ पर ओशन में गया समुद्र में मछली को पकड़ने, लाइक मार दे बट यार उल्टा ही पड़ गया, मेरा हेल्थ और ज़्यादा कम हो गया भाई, ये इसमें मछली मारना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यार नेक्स्ट डे वहाँ पर हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने गया, तो मेरे को एक रूइन पोर्टल मिला, और रूइन पोर्टल ने मेरे साथ यहाँ पर एक गोल्ड के लेगिंग्स मिला और कुछ गोल्डन कैरेट, जो कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले मेरे को अर्ली गेम में, क्योंकि यार हम लोग के पास फूड का कोई भी रिसोर्स नहीं है, और थोड़ा मोटा हम लोग को यहाँ पर ये मिल जाता है, तो भाई समझ रहे हो तो ज़्यादा हेल्प हमारा हो जाएगा। यार थोड़ा दूर जाने पर मेरे को एक नॉर्मल शिपरेक मिला ओशन के अंदर, तो मेरे को लगा भाई अब तो थोड़ा मोटा हम लोग का काम यहाँ पर आसान हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोग का उड़ का प्रॉब्लम थोड़ा मोटा तो दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने शिपरेक के अंदर देखा कि कुछ चेस्ट वगैरह मिल जाए हम लोग को, तो यार थोड़ा सा अंदर जाते ही मेरे को यहाँ पर दिख गया एक चेस्ट, और चेस्ट में भाई लिटरली 9 से 10 आयरन इंगट था, तो भाई कितना ज़्यादा सही हो गया हम लोग को अर्ली गेम में, अब आयरन का भी खोजना नहीं पड़ेगा और स्टिक भी हम लोग का यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा बड़ा यहाँ से वो वुड को माइन किया, क्योंकि यार वुड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वुड के बिना तो कुछ नहीं कर सकते थे, और यहाँ पे गिना चुना ही वुड था, तो भाई हम लोग को संभाल संभाल के यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जितना भी वुड कलेक्ट किया उससे हम लोग के क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट किया, और उसके बाद उसमें हम लोग अपने लिए कुछ टूल्स को क्राफ्ट कर लिया। तो टूल्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक्स को क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही से हम लोग अभी अब यहाँ से लॉग और कलेक्ट करने वाले, और एक पिकेक्स भी क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि पिकेक्स हम लोग अब जाते हैं माइन करने। फिर यार उसके बाद मैंने सीधे निकल गया अपने आइलैंड पे माइन करने, क्योंकि यार उसके बाद मैं थोड़े मोटे रिसोर्सेज हम लोग को और चाहिए, आर्मर चाहिए, फूड भी चाहिए, तो सारा कुछ हम लोग को माइन में मिल जाएगा। तो आप लोग बोलोगे फूड कैसे मिलेगा, तो यार जॉम्बी वगैरह को मार कर समझ सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा और माइन करने पर ही मेरे को यहाँ पर सबसे पहले कोल मिल गया, तो कोल माइन करने पर अब हम लोग यहाँ से टॉर्च को क्राफ्ट कर लेंगे, तो मेरे पास स्टिक ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा टॉर्च नहीं क्राफ्ट करूँगा। और मेरे इस सेडर्स बैक में है कि आप अगर लेफ्ट हैंड पर टॉर्च पकड़ते हो तो आपको मतलब लाइट वगैरह अच्छा से दिख जाएगा। तो थोड़ी दूर माइन करने पर ही हम लोग को यहाँ पर आयरन मिल चुका था, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही हो गया था, क्योंकि हम लोग उसको बेल्ट वगैरह करके हम लोग आर्मर को क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि उससे हम लोग को अर्ली बूस्ट मिल जाएगा, लाइक हम लोग को कुछ नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को एक एम्प्टी जियोड मिला, जिससे मैंने थोड़ा सा माइन करके थोड़ा सा वहाँ से रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद निकल गया डीप माइन से, भाई यहाँ पर देख सकते हो लावा, और भाई वहाँ पे मॉब देख सकते हो, क्रीपर भाई लिटरली मेरे को मारने के लिए कूद गया नीचे, खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, समझ
समझ सकते हो। तो थोड़े तो जाने पर यहाँ पे हम लोग को डायमंड्स मिल चुका था, एक दो नहीं भाई 3-4 डायमंड्स यहाँ पे थे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही हम लोग को लग रहा है देखने में। तो फटाफट से इसको माइन करते हैं, और भाई 2 या 3 दिन में ही भाई हम लोग को यहाँ पे डायमंड मिल चुका था, वो भी एक नहीं 4-5 डायमंड। यार वहाँ से डायमंड माइन करने पर हम लोग को यहाँ पर टोटल का टोटल 5 डायमंड हम लोग को मिलता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा होता है यार। उसके बाद सीधे ऊपर आ गया, और वहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने लिए एक पिकेक्स क्राफ्ट करते हैं, जो कि होने वाला है डायमंड का, क्योंकि यार आयरन का ये ख़त्म होने वाला है पिकेक्स, और डायमंड थोड़ा ज़्यादा चलेगा, और स्टिक भी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो उसको भी संभाल कर यूज करना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद मेरे पास 2 डायमंड और बच गया, तो मैं इसके लिए एक सोर्ड को क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि यार अगर कोई मॉब वगैरह आता है और फिश वगैरह में मारने में भी हम लोग को शॉर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही है। बट यार मेरे पास अभी भी ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं था, तो तब पर हम लोग थोड़ा मोड़ा बचा बचा कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक सवेल बना लिया, और थोड़ा मोड़ा आइलैंड को हम लोग सही करते हैं। सो यार लग जाते हैं आइलैंड को ठीक करने में। तो यार आइलैंड को ठीक करने में यहाँ पे मेरे डर्ट में इन्वेंट्री पूरा भर गया था, तो मैं निकल गया यहाँ पर चेस्ट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्री में। तो फटाफट से इसे चेस्ट कलेक्ट कर लिए हम लोग। उसके बाद अपने सारा आइटम को मैंने इस चेस्ट में सॉर्ट कर लिया, जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही सकते हो भाई, पूरा चेस्ट भी भर गया यहाँ पर हम लोग का। तो उसके बाद मेरा यहाँ पर सारा आइटम स्मेल्ट हो चुका था, तो मैं फटाफट से आ गया आर्मर को क्राफ्ट करने के लिए। तो फटाफट से सबसे पहले हेलमेट क्राफ्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग शूज़ क्राफ्ट करते हैं। मेरा चेस्ट पर क्राफ्ट है पहले से, और भाई क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे मेरा एक लेगिंग्स है कोल का, जिसमें यार कर्स ऑफ बाइंडिंग लगा हुआ है, तो यार जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक इसमें इसको छोड़ेगा नहीं। तो यार ये निकल के आता है हमारा फाइनल लुक, जैसा कि आप खुद देख सकती हो यहाँ पे हम लोग का बीच में कोल का लेगिंग्स है भाई, जिसमें कर्स ऑफ बाइंडिंग है, उसको यार हटाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो उसके बाद निकल के सीधे माइन में ऑब्सीडियन माइन करने, क्योंकि यार नेदर में ज़्यादा चांस है वुड हम लोग का मिलने का, क्योंकि यार नेदर में जो 2 क्रिम्सन बायोम और 1 वाप बायोम होता है। तो मैंने यहाँ पर आकर अपने लिए नेदर पोर्टल को बना लिया, और शायद यहाँ फ्लिंटेड सील हम लोग का पड़ा हुआ था पहले से। तो फटाफट से लाइट अप करते हैं और चलते हैं नेदर में, और देखते हैं कैसा रहेगा वहाँ का लुक। लाइक भगवान करे अच्छा, यार क्रिम्सन वगैरह में शायद दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो तुरंत मिल जाएगा भाई, और उसके बाद हम लोग आराम से बिल्ड वगैरह कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग का। तो यार फटाफट से चलते हैं नेदर में, और देखते हैं कैसा भाई हम लोग को यहाँ पर मिलता है। तो यार डे 11 भी हम लोग का शुरू हो चुका था, और 11वां दिन ही हम लोग नेदर जा चुके थे भाई, जो कि भाई बहुत सही है हम लोग के लिए। तो देखते हैं नेदर कैसा हम लोग का देता है। तो यार मतलब ठीक सा के बायो में, बट यार यहाँ पर कोई भी वुड हम लोग का भी नहीं मिलेगा, हम लोग को थोड़ा बड़ा नेदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा तभी जाकर मिलेगा। तो यार मैं थोड़ा दूर माइन करने पर ही यहाँ पर हम लोग को कुछ ओपन एरिया दिखा है, और भाई वहाँ पर मेरे को क्या यार सच में भाई वो सच में नेदर फोर्ट्रेस है भाई, वो ब्रिक्स है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, बट यार ब्रिक्स ही है वो। तो यार उसके बाद मैं सोचा था जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मेरे पास फूड नहीं था, तो मैं वापस आ गया अपने ओवरऑल में। तो यहाँ पे फैंटम्स भाई इतना परेशान कर रहे थे, क्योंकि यार मैं बहुत दिन से सोया नहीं, अब बेरी नहीं है मेरे को क्राफ्ट करने का, क्योंकि यार यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन ही नहीं हो रहा था आइलैंड पे, पता नहीं क्या सीन था। उसके बाद मैं निकल गया सीधे अपने माइंड पे, और सोचा मैं माइंड को थोड़ा सही कर देता हूँ। तो यार फटाफट से मैं माइंड को थोड़ा सा अच्छा कर दिया देखने में, क्योंकि यार थोड़ा सा सर लड़ रहा था ऊपर से। और भाई जैसे ही मैं माइंड में आया, तो यहाँ पे भाई 2 बॉम्ब रहने तैयार कर रहे थे, एक स्पाइडर और स्केलेटन। तो फटाफट से इनको हम लोग निपटाते हैं यहाँ पे। तो यार ये हमारा मॉब मर गया, तो मैं सोच रहा था यार कि क्यों ना यहाँ पे आइए तो माइन भी कर लेते, क्योंकि नेदर में अगर आयरन आर्मर पहन के जाओगे तो 1 शॉट हो जाओगे। तो मैं सोचा यहाँ पे डायमंड माइन कर लेता हूँ, और थोड़ा मोड़ा अपग्रेड हो जाता हूँ। बट यार यहाँ पे मेरे को बहुत ही कम डायमंड, लाइक बस यही डायमंड मेरे को मिलता है, और इसके बाद 1 भी डायमंड हम लोग को नहीं मिलता है। तो यार अपना 4-5 दिन वेस्ट करने के बाद हम लोग सीधे निकल जाते हैं नेदर के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा मोड़ा फूड हो चुका था, तो अब हम लोग नेदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फटाफट से निकलते हैं नेदर के लिए। तो यार नेदर पहुंचते ही सबसे पहले चलते हैं हम लोग फोर्ट्रेस की ओर, क्योंकि यार फोर्ट्रेस में जाते ही हम लोग को थोड़ा मोड़ा सामान तो मिल सकता है। तो यार मैंने यहाँ पे देखा था कि फोर्ट्रेस के पीछे यार वहाँ पे वॉर्प बायो में, तो वहाँ से हम लोग मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। यार उसके बाद मैं सीधे निकल गया उस बायोम की तरफ को, और भाई साहब इतना खुशी मेरे को मिल रहा है यहाँ पर मेरे सामने उड देख कर। तो फटाफट से चलते उसको माइंड करते हैं यार भाई, मेरे को यहाँ पे 15 दिन या 20 दिन के अराउंड हो चुका था। तो अब मेरे को पता चला यार उड का महत्व माइनक्राफ्ट में, भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, इतना कम रिसोर्सेज में सर्वाइव कर रहा था यार इतना दिन, ना ही पेड़ था ना ही चेस्ट था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तब जाके भाई मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन कर लिया, और यहाँ पर मेरा फूड भी ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मॉब वगैरह को मारते हैं, और जितना हो सके उतना फूड यहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि रोटन फ्लोस भी फूड होता है भाई, बहुत सही फूड होता है, सेचुरेशन कम देता है, बट यार तब पर भी कुछ ना कुछ तो देता ही है यार, कुछ ना से अच्छा कुछ तो
होना अच्छा बात है। तो यार उसके बाद भाई यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए सबसे पहले मैं सोचा क्यों ना इस फंगस को वापस से ग्रो करके और ज़्यादा ब्लॉक कलेक्ट कर लूँ अपने ओवरवर्ल्ड में, बट यार ये वर्क ही नहीं कर रहा था। तो यार अब से यहाँ पर आप लोगों को सिनेमेटिक बहुत ही लगातार देखने वाले हो, क्योंकि मैं यहीं से फार्म बनाता हूँ, यहीं पर एक्सपी फार्म बनाता हूँ, लोग बहुत कुछ बनाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो अपने लिए एक गोल्डन सवेल बना लेते हैं, लाइक ये डायमंड सवेल, और इसी से लग जाते हैं अपने काम पर। तो सबसे पहले चलते हम लोग एक्सपी फार्म को बनाते हैं यहाँ पर। तो यार यहाँ पे हम लोग फार्म बन के रेडी हो चुका था, बट यार अभी भी ये उतना अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। तो यार ऊपर मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाने आ गया और यार देखते कि अब ये कैसा काम करता है। तो यार जब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का हो चुका था तो मैं सोचा कि यहाँ पे तो हम लोग अपना आइलैंड को ठीक कर लूँ, तो लग जाते हैं काम पर। तो यार यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डर्ट और ये हो चुका था, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी फार्म बना लिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपना सारा कोबरस्टोन को स्मेल करने के लिए लगा लिया, तो उसका लग जाते हैं हम लोग अपने लिए एक फार्म बनाने के लिए। तो यार यहाँ मेरे पास फार्म हो चुका था, लाइक फार्म बन गया था। तो अब फटाफट इस पर कैरेट प्लांट करते हैं। तो अभी मेरे पास उतना कैरेट तो है नहीं, तो जितना है उतना ही कैरेट को लगाते हैं। उसके बाद मैं निकल गया यार थोड़ा सा फिशिंग करने के लिए, तो यार कुछ ना कुछ तो फिशिंग हो जाए। तो मैं भाई एक दिन लगातार उस पर फिशिंग करने लगा। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा आयरन का कमी आ गया था हॉपर वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ से फटाफट से निकल जाते हैं हम लोग आयरन को माइन करने के लिए। तो वहाँ से आयरन माइन करने पर यहाँ पर हम लोग को वन स्टैक से ऊपर का आयरन मिल गया था, तो उसको लगा दिया स्मेल्टिंग पे। तो यार उसके बाद जब मैं एक्सपी फार्म चेक करने बार बार आ रहा था, तो यार बहुत ही कम मॉब स्पॉन रहते थे भाई, ना के बराबर स्पॉन हो रहे थे मॉब्स।
तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। बट यार उससे पहले मैं थोड़ा सा और फार्म पे काम कर रहा था, जितना दिन हो सके पर मैं यहाँ पे फार्म पे काम करते जा रहा था। उसके बाद मेरे पास से मैं सोचा हूँ क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जाऊँ, तो मैंने यहाँ से वुड कलेक्ट करने आ गया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग बोट बनाते हैं, और बोट बनाते के साथ ही फटाफट से निकल जाते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यार देखते कि आसपास अपना कुछ भी है या फिर नहीं है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यार अपना आइलैंड देखने में अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, बट यार अभी भी उसको डर्ट को रिमूव करना अपने वहाँ में सबसे पुराना घर को, यार देखते कि क्या है। और यार वहाँ पर कुछ दिख रहा है मेरे को, तो यार थोड़ा ही दूर जाने पर भाई साहब यार वहाँ पे पेड़, वहाँ पे कितना बड़ा आइलैंड है यार। अगर मैं शुरुआत में ही बोट बना के सीधे निकल जाता एक्सप्लोर करने के लिए, और भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा बड़ा आइलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा सही है। अब यहाँ से हम लोग को ओक लॉग भी मिल जाएगा, जिससे भाई अब लोग कुछ भी कर सकते हैं लाइक भाई। अब हम लोग को यहाँ पे अपना पहला सैपलिंग भी मिलने वाला है कुछ दिन पर। उस पर सबसे पहले आइलैंड पे आया तो यार यहाँ पे सैपलिंग और लॉक को कलेक्ट किया। तो थोड़ी दूर यहाँ पे जाने पर मेरे को एक रूइन पोर्टल दिखा, और रूइन पोर्टल में लूट कुछ खास तो था नहीं, पर तब पर भी एक फॉर्चून का वो था, दो ऑब्सीडियन और एक गोल्ड के लेगिंग्स था। तो यार ठीक ही है गोल्ड का लेगिंग्स। तो उसके बाद मेरे यहाँ पे एक और शिपरेक हम लोग को दिख गया था, फिर उस पर एक चेस्ट था और जिसमें तीन चार डायमंड्स था और कुछ आयरन था जो कि भाई ठीक ठाक ही लूट था। बट अभी भी हम लोग को ट्रेजर चेस्ट नहीं मिला एक भी, फिर उसको भी देखना पड़ेगा। फिर उसी उसी में एक और यहाँ पे चेस्ट था जिसमें एक बड़ी ट्रेजर मैप था और कुछ पेपर था। तो यार यहाँ पे फिर से हमारे साथ स्कैम हो जाता है। इस बड़ी ट्रेजर मैप में भी वही था जो पुराने वाले में था, लाइक ये नॉर्मल मैप के मैं कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद एक और शिपरेक हम लोग को दिखा जो कि ऊपर था, और यहाँ पे कुछ ड्रोन्स का जो वो लेगिंग्स था। आई नो मैं लेदर का लेगिंग्स यूज नहीं करने वाला हूँ, बट यार रख लेता हूँ क्या पता कब काम दे दे। उसके बाद सीधे वापस अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ, और सबसे पहले यार सैपलिंग को क्राफ्ट करते हैं, लाइक क्राफ्ट नहीं अपने आइलैंड पे प्लांट करते हैं, क्योंकि यार अब हम लोग का वुड का कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सैपलिंग है तो यार क्या ही टेंशन है। उसके बाद मैं सीधे निकल गया थोड़ा सा वुड को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यार थोड़ी देर में मैं अपने घर पर काम करने वाला हूँ। पर उससे पहले कुछ चेस्ट को क्राफ्ट कर लिया और इसको अपने यहाँ पे लगा लिया, और अपने सारा सामान को सबसे पहले वो लग रखते हैं। यार इतना इन्वेंट्री फुल भाई चेस्ट कुछ भी नहीं था, और ये आपको डायमंड बोलोगे तो डायमंड उसी वक्त मिला था जब मैं आयरन माइन करने गया था। तो उसके बाद मैंने अपना पुराना घर को भाई तोड़ दिया, क्योंकि यार देखने में बहुत ही खराब लग रहा था, क्योंकि यार दूर से देखने पे ये लग रहा था यार क्या है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे अपने फार्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया, लाइक टॉर्चेज वगैरह, क्योंकि यार यहाँ पे क्रीपर वगैरह स्पॉन हो रहे थे जो कि भाई बहुत ही ख़राब था, क्योंकि यार एक शॉट में भाई हमको मार सकते थे और ये भी तोड़ सकते थे। उसके बाद मैं जब अपने एक्सपी फार्म पे आया तो यहाँ पे भाई जॉम्पीफाइड विलेजर था और क्रीपर भी था, तो यार हम लोग को देख देख के मारना पड़ेगा, क्योंकि यार एक दो शॉट लग गया विलेजर को तो वहीं पे टपक जाएगा वो। तो यार सबसे पहले तो एक क्रीपर को भी मारना पड़ेगा यार। तो यार सबसे पहले सबको मारने के बाद यहाँ पे हम लोग दोनों को आज़ाद करते हैं और एक बोट में बैठा देते हैं जिससे मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो यार अब हम लोग इसको सबसे पहले तोप देते हैं, लाइक इसको कवर कर देते हैं। भाई साहब यही इसी का दर्द था भाई, ये जो काम करता है क्रीपर सबसे ख़राब काम करता है। मेरा फार्म को भी तोड़ दिया, अभी मैं डर भी गया लाइक ऊपर से गिर के। तो उसके बाद मेरे पास डायमंड हो चुका था लाइक 32, मैं फिर से माइनिंग पे गया था, बस सैड लाइफ यार मेरा वो रिकॉर्डिंग नहीं चला, लाइक करप्ट हो चुका था, तो उसी कारण यार यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा। बट यार सच में मैंने इसे सर्वाइवल में माइंड किया है, आप लोग एक्सपी भी देख सकते हो, मेरा 23 यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद मैंने पूरा डायमंड का आर्मर बनाया और एक फ्रेश न्यू डायमंड का पिकेक्स बनाया, क्योंकि मेरा पुराना पिकेक्स टूट चुका था ऑब्सीडियन माइनिंग वगैरह करने में, अभी नीचे गया था माइन में उसी में टूट गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने पूरा डायमंड आर्मर को इक्विप करता हूँ, और भाई अब कितना प्यारा लग रहा है देखने में। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा इन्वेंट्री को खाली कर लेता भाई, बहुत अभी भी बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए, क्योंकि मेरे पास डायमंड का आर्मर आ चुका था, तो अब मैं ब्लेजर को भाई आराम से मार सकता हूँ। तो फटाफट से ब्लेजर को क्लियर करता हूँ, ब्लेजर कलेक्ट करता हूँ और अपने घर के लिए निकलता हूँ। जाते ही सबसे पहले मैंने वहाँ पे वुड को कलेक्ट किया, क्योंकि यार वुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद मैंने फार्म पे काम किया, क्योंकि यार मेरे को कैरेट भी खाना था। उसके बाद मैंने अपने यहाँ से पोर्टल को पूरा तोड़ डाला, क्योंकि यार ये भी अभी हवा में कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था, तो फटाफट से इसको भी हम लोग पूरा तोड़ देते हैं। उसके यार उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गया और यहाँ पे गोल्डन एप्पल को क्राफ्ट करा, क्योंकि यार मेरे पास वो भी हो चुका था, और अब हम लोग यहाँ पे आराम से वो बना सकते हैं पोर्शन।
तो यार यहाँ पर एक गोल्ड एप्पल, तो मेरे पास टोटल 4 गोल्डन एप्पल हो चुका था जो कि बहुत सही है। उसके बाद मैं सबसे पहले निकल गया वो नेदर जाने वाला था फिर से, क्योंकि यार अब हम लोग वहाँ अपना प्यारा सा घर बनाने वाले हैं, क्योंकि यार सब चीज़ हो चुका है अपने आइलैंड पे, फार्म, एक्सपी फार्म। बट यार अभी भी अपने लिए यहाँ पर भाई सबसे प्यारा घर नहीं है, मेन प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो यार फटाफट से हम लोग निकलते हैं नेदर के लिए, और वहाँ से फटाफट से जाते हैं उड कलेक्ट करने के लिए। मेन मेरे को यहाँ पर उड चाहिए, क्योंकि यार एक सिर्फ ओक से घर बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाफट से यहाँ से जितना भी हो सके उतना हम लोग ये लॉक कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यार 2 लॉक रहेगा तो अच्छा लगेगा। दो दो टाइप का घर, तो मतलब दो टाइप का नहीं कर सकते यार, मतलब 2 कलर का घर। तो फटाफट से अपने घर पर लग जाते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का कुछ बेस होने वाला है अपना घर का। तो फटाफट से चल जाते हैं काम पे। तो यार फाइनली यहाँ पे ये लगभग 10 से 15 दिन के अंदर घर बन चुका है, और अब आप लोग इसको रेट दे सकते हो लाइक आउट ऑफ 10, तो जितना हो सके। तो अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कैसा ये लग रहा है। तो यार वो अभी आप लोग पूरा फाइनल लुक देखा है, बट यार अभी भी आप पे कुछ इनकम्प्लीट लाइक इसमें ग्लासेस वगैरह लगाना है। तो फटाफट से लग जाते हैं काम पे, क्योंकि अभी भी थोड़ा मोड़ा इस पर काम बाकी है, और इंटरनल तो अभी पूरा काम बाकी है, तो इसको भी हम लोग करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लास को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया था, लाइक मेरे जाने पर थोड़ा मोड़ा था सैंड, तो उसको ही कलेक्ट किया था। तो फटाफट से लगाते हैं जितना हो सके। तो वाइट ग्लास ना, नॉर्मल ग्लास ही ठीक लग रहा है। मैं पहले सोचा था कि कुछ ना कुछ इसमें तो चेंज करूँ ग्लास का कलर में, बट यार नॉर्मल ग्लास ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके मुकाबले। तो फटाफट यार मैंने यहाँ पर इसको लगभग लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने अपने विलेजर्स को अपने घर में लाया, और उसके बाद इस पर पोर्शन फेंका, और उसके बाद मैंने इसको क्योर करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यार ये आप लोग का नॉर्मल घर है तो यार इसमें रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप लोग सोचोगे कि यार आप तुम्हारे पास बेड कहाँ से आया, तो मैंने बहुत पहले ही क्राफ्ट कर दिया था, बट मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, क्योंकि यार मैंने बहुत सारे स्पाइडर्स को भी मारा था तो उससे मेरे को मिला था उस पर। तो यार उसके बाद मैंने यहाँ पर आयरन के डोर्स लगाए, और उस पर बटन्स लगा कर इसको एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि यार नॉर्मल विलेजर जब यहाँ पे आएंगे तो भाई वो डोर वगैरह खोल कर बाहर चले जाएंगे, और बाहर इतना सारा मॉब स्पॉन होता है तो समझ ही सकते हो। तो यार थोड़ी देर में मैंने एक विलेजर क्योर हो चुका था, और उसी के बाद भाई दूसरा विलेजर भी यहाँ पे क्योर हो चुका था।
और अब बारी है इसको हम लोग को जॉब देने का। तो सबसे पहले मैंने एक क्लेरिक बनाया, एक फ्रेचर बनाया और उसके बाद भाई इससे स्टिक को मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे चलते मेरे यहाँ पर लेवल भी मिलते रहेगा और सारा कुछ होते रहेगा। तो मैं उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया फार्म पे अपना थोड़ा काम करने के लिए, क्योंकि मैं सोचा था कि एक विलेजर को जॉब दूँ कंपोस्टर का। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंपोस्टर क्राफ्ट करके दूसरे विलेजर को जॉब दे दिया और उससे लग गया कैरेट को ट्रेड करने में। लेकिन सबसे पहले इसको ब्रीडिंग करवा लेते क्योंकि और भी हम लोग को विलेजर चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जितना देर हो सके लाइक कंपोस्टर लगाया कि यार तू जॉब दे दे मेरे को चाहिए कैरेट का। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पर कैरेट का ट्रेड मिल गया। तो भाई लग जाते हैं हम लोग काम पे। तो सबसे पहले मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे कैरेट को जितना हो सके उतना कलेक्ट करने का और सबसे पहले ट्रेड कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मर से ट्रेड किया और यहाँ से भाई लिटरली बहुत ज़्यादा ही मेरे को मिल चुका था एमरल्ड। तो यार एमरल्ड हम लोग को यहाँ पर हो चुका था तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला था। तो यार यहाँ पे मेरे पास जो मैं सोच रहा था क्यों ना अपने फार्मर विलेजर को मैक्स कर लूँ तो फटाफट से उसको हम लोग ट्रेड करने वाले थे। बट यार यहाँ पे मैं सोचा कि एक और विलेजर यहाँ पे आ जाएगा, बट यार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यार यहाँ पे बेड था ही नहीं मेरे पास। तो उसके बाद मैं सीधे ट्रेड करने लगा कर जितना हो सके मैं फार्मर को अपग्रेड करने में लग गया। तो यार उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पम्पकिन भाई आ गया था जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा होता है फूड मतलब फूड सोर्स में, ये बहुत अच्छा होता है लाइक आपका 3-4 हंगर भर देता है एक बार। तो भाई बहुत ज़्यादा सही हो चुका था, अब मेरे पास फूड का कमी भी नहीं आने वाला था क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग के पास एप्पल भी था, यहाँ पे हमारे पास कैरेट भी था और यहाँ पे हमारे पास पम्पकिन पाई भी था। उसके बाद मैं निकल गया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। लाइक मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे इससे ट्रेड करूँगा पिगलिन से तो मेरे को यहाँ पर इंटरपल्स मिल जाएगा, बट भाई यहाँ का पिगलिन इतना गरीब था, इतना गरीब था, एक दो में भाई नहीं मेरे को मिला। बट थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं यार एक भी नहीं मिला सैटेलाइट। बट यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग मिल रहा था जो कि बहुत सही चीज़ था क्योंकि स्ट्रिंग से मैं बेड क्राफ्ट करता, बेड क्राफ्ट करने से भाई और ज़्यादा विलेजर ला सकता था। तो भाई ये बहुत ज़्यादा सही हो चुका था और मेरे पास कुछ एरोज भी मिल रहे थे यहाँ से, तो ये बहुत सही चीज़ है ये भी। उसके बाद मैं आइलैंड पर आया और यहाँ पर मैंने एक दो बेड क्राफ्ट किया, उसके बाद प्लेस कर दिया। तो यार अब यहाँ से हम लोग पास विलेजर आने वाले थे। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक विलेजर भी आ चुका था, तो भाई ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ था। उसके बाद मैं निकल गया था अपना फार्म पे काम करने के लिए। तो ये फटाफट से लग जाते हैं हम लोग फार्म पे। तो यार यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्चून 2 का होता तो जिससे यार यहाँ पे मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। तो फटाफट से यार इसको हम लोग क्लियर करते और ये भाई फॉर्चून बहुत सही काम कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लैक्टन को क्राफ्ट कर लिया। तो लैक्टन को क्राफ्ट करने का मेन मेरा पास यही मोटिव था, एक विलेजर को जॉब दूंगा और उससे हम लोग कैसे भी करके कुछ अच्छा ट्रेड करूंगा। तो सबसे पहले ट्रेड तो नहीं, मैं सोच रहा था कि इससे मेरे को वो मिल जाए बुक सेल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अब हम लोग पास से वो हम लोग कर सकते हैं, इंजेंटेड रूम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा फार्मर मैक्स लेवल का हो चुका था भाई मैक्स, और यहाँ पे एक एमरल्ड में 3 गोल्डन कैरेट दे रहा था जो कि बहुत सही चीज़ था क्योंकि यार गोल्डन कैरेट तो ज़्यादा अच्छा होता है पम्पकिन पाई से। तो भाई यहाँ पे बहुत सही हो चुका था। तो यहाँ पर उसके बाद मेरे पास एक विलेजर बड़ा हो चुका था और जॉब भी पकड़ लिया था, तो इसको हम लोग कुछ और मतलब देने वाले थे। तो थोड़ी देर के बाद ही मेरे को बुक से दे दिया था जो कि बहुत सही चीज़ था क्योंकि यार इससे मैं एक और लैक्टन बना सकता हूँ और उससे भाई हम लोग एक और इंजेंटेड रूम बना सकता हूँ। मेन वही चीज़ है भाई क्योंकि मेरा आर्मर को अपग्रेड करना है। तो यार मैंने यहाँ पे लगभग सारा कुछ बनाकर मैंने एक इंजेंटिंग टेबल को क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद मैं निकल गया अपने छत पे सारा कुछ सेटअप करने के लिए। तो यार जब यहाँ पे मेरे पास पूरा इंजेंटिंग रूम कम्प्लीट हो चुका था तो मैं अपना आर्मर को मैक्स करने लग गया। तो सबसे पहले मैंने अपना लेगिंग सूट दिया, उसमें अच्छा खासा इंजेंट मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे उसके बाद मेरे हिसाब से बूट को किया तो बूट में भी प्रोटेक्शन दे दिया था जो मेन मेरे को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिले थे जो ज़्यादा सही था। उसके बाद चेस्ट पे भी प्रोटेक्शन मिल गया था भाई साहब, सबसे अच्छा इंजेंट मेरे को प्रोटेक्शन मिला और इस पर मिला। मेन मेरा लेवल यहाँ पर भी कम हो चुका था तो मैं एक्सपी वहाँ पर गया तो यहाँ पर कौन सा फाइल भी ले जाए। तो भाई इसको भी हम लोग कैद कर लेते क्योंकि यार इसका मेन चीज़ यही है कि भाई इससे हम लोग को बहुत ही गंदा वाला डिस्काउंट मिलता है, बहुत गंदा वाला। तो उसके बाद भाई इसको भी मेरे पास पोर्शन बचा हुआ था तो उसको भी हम लोग क्योर करने के लिए छोड़ दिए और मैं सोचा रात को सो जाऊँ, बट मेरे को टेंशन था कि यार ऊपर से चल जाएगा ये तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं उसको अपने घर में वापस ले आया। तो फटाफट इसको हम लोग लगाते हैं और उसके बाद मेरा लेवल हो चुका था तो मैं अपने
लास्ट वाले पीस को इंचेंट करने गया, जो कि भाई हेलमेट था बट यार इसमें इतना गंदा इंचेंटमेंट था क्या ही करूँ। तो यार थोड़ी देर मेरे पास एक और ब्लेड आ गया था, तो इससे हम लोग को मेंडिंग मिल गया था, मेंडिंग जो कि बहुत सही था। उसके बाद मैंने एक बो में इन्फिनिटी को डाला क्योंकि ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यार अब हम लोग इंडरमैन हंट करने जाने वाले थे, तो भाई बहुत सही चीज हो चुका था यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इन्फिनिटीज में लगा दिया और इन्फिनिटी के साथ यहाँ पर मेरे को पावर 4 मिल गया, बट यहाँ पर मेन मेरे को इसमें अनब्रेकिंग नहीं मिला था और ये बो का हेल्थ बहुत कम था, तो यार इसको मेरे को बचा कर यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं सीधे आ गया ऊपर और AFK करने लगा अपने XP फार्म पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और XP चाहिए था अपने सोर्ड को इंजेंट करने के लिए। फिर थोड़े दूर जाने पर भाई लिटरली इसमें इतना कम जॉम्बी स्पॉन रहा था, लाइक जॉम्बी नहीं इतना कम मॉब स्पॉन रहा था क्या ही बताऊँ। तो यार इसको मेरे को ठीक करना था, तो उसके बाद मैं सोचा क्यों ना अपने XP फार्म पे काम कर लूँ। मतलब नॉर्मल काम कर रहा था एक ये फार्म पर, तब पर ही बहुत कम कर रहा था, बहुत ज़्यादा कम। मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट AFK किया और बस इतना ही मॉब स्पॉन हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो यार अगले 1-2 दिन मैं यहाँ पर अपने फार्म पे काम किया और इस पर ट्रैप डोर लगाया और इसको थोड़ा सा और एक लंबा कर दिया पहले के मुकाबले। यार अब ये फार्म बहुत सही काम कर ले, पहले से बहुत सही काम कर रहा था, तो ये बहुत सही हो गया। और इस पर टॉर्च भी लगाना है, तो फटाफट इस टॉर्च लगाया। उसके बाद मैं अपने फार्म पे काम किया क्योंकि यार पानी से जॉम्बी वगैरह आ रहा था, तो उसको भी ठीक करना था। तो यहाँ पे मेरे पास लेवल हो चुका था और यहाँ पे मेरे पास शार्पनेस 4 मिला और अनब्रेकिंग 3 मिला, तो शार्पनेस 4 मेरा बहुत सही चीज़ हो चुका था। तो यार इससे भाई बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि सब पे बेंडिंग लगा लेता हूँ, तो मैंने चेस्ट प्लेट पे बेंडिंग लगाया और मैं मेरा आर्मर था, आर्मर टूट रहा था और उस पर ज़्यादा सही था। तो भाई सबसे पहले मैं सब पे अनब्रेकिंग मतलब ये मेंडिंग लगाया, बस मेरे पास हेलमेट में बच गया था मेंडिंग, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। बट यार उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आई ऑफ इंडर क्राफ्ट किया, उसके बाद निकल गया अपने सफ़र पे लाइक इंडरमैन की खोज पे। तो अपने आइलैंड पे थोड़े दूर जाने पर यहाँ पर मेरे पास मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि भाई बहुत सही चीज़ था। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे एक्सप्लोर करके तो मैं देख लूँ कि क्या हाल चाल यहाँ के है। तो थोड़ी दूर यहाँ पे मेरे पास मिल चुका था वो लाइब्रेरी, जो कि यहाँ पे हम लोग को जितना मन उतना यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कलेक्ट कर सकते हैं और भाई बहुत ज़्यादा बेड बना सकते हैं। तो भाई ये अगर मेरे को पहले मिलता तो भाई ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मैंने अपना सारा इंड आई ऑफ एंडर को यहाँ पोर्टल में एक्टिवेट कर लिया और अब देखते हैं हम लोग चलते हैं इंड में। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि अपना रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर दूँ, क्योंकि मैं अगर इंडर ड्रैगन को मार कर वापस आता हूँ तो मैं यहीं पे आऊँगा और यहाँ से मैं ऊपर की ओर डिग करके अपने मार्क कर लूँगा कि इंड कहाँ पे है, तो मैं बार बार वहाँ पर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन पॉइंट सेट करने वाला था, तो यहाँ पर मैं सो गया लाइक अपने यहाँ पर दिन मतलब रात हो रहा था। तो उसके बाद मैं सीधे कूद गया इंड में को, भाई देखते हैं कैसा यहाँ पर हम लोग का रहता है। तो यार अब होने वाला यार खतरनाक फाइट, यार अब आप लोग रेडी हो जाओ तो फटाफट से हम लोग फाइट करते हैं इंडर ड्रैगन से। Blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, 'cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back? You ain't never ever gonna
gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. तो यार फाइनली हमारा इंडर ड्रैगन यहाँ पे मर चुका था भाई। इसको मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि यार मैं यहाँ से इससे पहले कभी भी इंडर ड्रैगन पीसी पे नहीं मारा हूँ, तो भाई इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला था। तो यार यहाँ पे अब एक्सपी का बरसात होने वाला है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो मेरा 21 एक्सपी था और मेरा आर्मर भी टूटा हुआ था। तो यार इसके चलते मेरा आर्मर पूरा रिपेयर हो जाता है क्योंकि उसमें मेनिंग लगा हुआ था। और एक्सपी भी देख सकते हो 62-65 और भाई मेनली का मेरा आर्मर पूरा रिपेयर यहाँ पे हो चुका था। तो उसके बाद से मैंने सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो यार इंडर ड्रैगन एग कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि इन सिटी में जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। नहीं जाने का एक ही दो रीज़न था क्योंकि मेरे पास वो में हेल्थ नहीं था। उसके बाद मैं सीधे वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया और यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो फाइनली डे 100 मार्च चल रहा था। तो भाई साहब यहाँ पे मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। तो यार आपको कैसा लगा ये 100 का वीडियो जरूर बताना। लाइक आपको अगर थोड़ा सा पसंद आता है तो यार जरूर बताना। इस पर भाई लाइक टारगेट रख लेते हैं जो कि होने वाला है 200 लाइक्स। तो यार जाओ जल्दी से लाइक को कंप्लीट करो। अगर इस पर लाइक को कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट 100 लेकर आऊँगा जिसमें मैं वीटर मारूँगा, अपने नेदरराइट का आर्मर क्राफ्ट करूँगा और बहुत सारे फार्म्स भी बनाऊँगा। सो यार इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा तुम लोग सोच नहीं सकते हो। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना। बाकी यार आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आप ऐसा लाइक कर लो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर बताना आपको कैसा लगा। बाकी यार वीडियो को हम लोग यहीं पे छोड़ रोकते हैं। तो भाई जरूर बताना कैसा लगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।